साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज धूमधाम से सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी और सावन शिवरात्रि पर इस बार खास संयोग भी बन रहा है। शिवालयों में लगातार भक्तों का तांता दिख रहा है और भोले का जल अभिषेक करने के लिए कांवड़िये पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज से कांवड़ यात्रा की समाप्ति भी हो रही है। तो शिवालयों में लगातार भक्तों का तांता उमड़ रहा है और मान्यताओं के मुताबिक सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कांवड़ यात्रा के लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास है। दरअसल कांवड़िये दूर दूर से गंगा जल भरकर लाते हैं और अपने आराध्य शिव शंभू का जलाभिषेक भी करते हैं और इसी के साथ इस दिन से कांवड़ यात्रा की भी समाप्ति हो जाती है। तो आपको बताते चले कि भगवान शिव को समर्पित सावन का ये महीना चल रहा है और आज एक खास संयोग भी बन रहा है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आज शिव की विधिवत पूजा करने का भी विधान है और सावन शिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। लगातार शिवालयों में भक्तों का तांता दिख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोले का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िये पहुंच रहे हैं और आज आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा की समाप्ति भी हो जाएगी। और हमारे साथ हिमांशु गाजियाबाद से इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए लगातार शिवालयों में भक्तों का तांता दिख रहा है, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कहां मौजूद है आप इस वक्त? और देखिए आज गाजियाबाद के दुदेश्वरनाथ मठ मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं और रात से ही यहां पर जो शिव भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है बाबा शिव को जल अर्पित करने के लिए। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप तस्वीरें देख भी सकते हैं किस तरह का जो हुजूम है शिव भक्तों को यहां पर उमड़ा हुआ है। 3:30 बजे यहां पर महाआरती का आयोजन किया गया था और उसके बाद से जो कांवड़िये हैं जो जल लेकर हरिद्वार से यहां पहुंचे हैं वो बाबा को जल अर्पित करने के लिए लगातार यहां पर आ रहे हैं। दरअसल आज का दिन बेहद इसलिए भी खास बन रहा है क्योंकि महागौरी योग आज के दिन बन रहा है और इसमें गौरी की पूजा करने से भी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होती है। जो कांवड़िये हैं उनको भी आप देख सकते हैं और जो शिव भक्त हैं उनके लिए अलग से यहां पर कतार बनाई गई है। दरअसल तिरोदशी और शिव चौदस दोनों ही एक ही दिन आज पड़ रही हैं और शिव चौदस का जो जल है यानी कि जो शिवरात्रि का जल है जो बताया जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ से वो शाम 6:45 पर शुरू होगा। उससे पहले तिरोदशी का जल है यानी 26 तारीख को ही तिरोदशी और शिव चौदस का संयोग बन रहा है। ऐसे में जो भक्त है वो बाबा को जल अर्पित करने के लिए दिल्ली NCR से पहुंच रहे हैं। मंदिर की बेहद मान्यता है। मान्यता की बात करें तो जो रावण के पिता है विश्वेश्वरा वो यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे और तभी से भगवान शिव यहां पर विराजमान है। भगवान शिव की जो शिवलिंग है वो यहां पर विराजमान है। जो शिव भक्त यहां पहुंच रहे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं कहां से आए हैं, कितनी मान्यता है मंदिर की। क्या नाम है आपका, कहां से आप आए हैं? मेरा नाम शोभित सिंह है और मैं गिरधरपुर से आया हूं। गिरधरपुर ग्रेटर नोएडा। जी जी। क्या कहेंगे मंदिर की कितनी मान्यता है और क्या कुछ कहा जाता है मंदिर के बारे में? मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत अच्छा मंदिर है और कहते हैं कि जो भी मांगो मिल जाता है। बाबा तो वैसे ही भोले हैं, जो मांगो मिल ही जाता है। और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? विजयनगर से। क्या मान्यता है मंदिर की, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के बारे में? बहुत मान्यता है, हम जब से यहाँ से आई है तो बहुत ज्यादा देखी है, भीड़ भाड़ रहती है, लोग बहुत ही मानते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा मान्यता है और इसी मान्यता की वजह से जो शिव भक्त हैं उनका जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है और इसी तरह से हजारों शिव भक्त। देखिए तमाम लोग हैं जो पहली बार आए हैं और सावन के महीने में आए, तब जब कई जगह सड़कों की दिक्कत होती है। अगर आप देखेंगे तो ठीक सामने आप देखिए आपको जो शिव भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं मंदिर में, गर्भगृह में वो लोग पहुंच के अपना जलाभिषेक करने के बाद इस रास्ते से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो द्वार आपको मैं दिखा रहा हूँ यही द्वार है जिसके कपाट जब खुलते हैं तय मुहूर्त में तो उसके बाद विधि विधान के साथ तमाम जो पूजा अर्चनाएं हैं वो शुरू होती हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो शिव भक्त हैं, पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई और देखिए ये तमाम लोग देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और यहाँ
केदारनाथ धाम में पहुंच के पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये तमाम लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ ये आप कहाँ यहाँ आइए ना, कहाँ से आए हैं आप? यूपी बदायूं से जी, पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है, भगवान के दर्शन करने में अच्छा लग रहा है। सड़कों की दिक्कतें हुई होंगी उसके बावजूद पहुंच गए केदारनाथ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बाबा की कृपा से। हर हर महादेव। कहाँ से आए? मैं भी बधाइयों से ही हूँ, सेम जगह से, यूपी। कोई दिक्कत हुई रास्ते में किस तरह से? कोई नहीं, बाबा ने बुला लिया बस, दिक्कत क्या है। तो ये तमाम लोग हैं देखिए, आप जो अलग अलग जगह से पहुंचे हैं, आप कहाँ से आए? बस गोरखपुर से। गोरखपुर से आए जी, यूपी गोरखपुर। और कैसा लग रहा है आज? अच्छा, अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको नजर आती है तो आप समझिए कि किस तरह का नजारा यहाँ पर है। दो साल के बाद चार धाम यात्रा इस बार शुरुआत से ही वो रुझान दिख रहा है, और अब जब बाद से ही वो रुझान दिख रहा है, और अब जब लगातार जो भीड़ है वो बढ़ रही है, और अगर मानसून के सीजन में ये भीड़ बढ़ती है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की आस्था कितनी प्रबल है। बारिश हो, दिक्कतें हो, उसके बावजूद वो जलाभिषेक के लिए केदार धाम पहुंच रहे हैं। वाकई सुरेंद्र, ये तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी जो हैं ये तस्वीरें देख रहे हैं। और देखिए, मॉनसून में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो काफी उत्साहित करने वाली है और अलौकिक भी है। यात्रियों जो है वहां पहुंच रहे, जो भक्त हैं उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरेंद्र? देखिए, केदारधाम में सबसे मुख्य जो सुरक्षा की जरूरत पड़ती है वो आपदा से सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, इसलिए एसडीआरएफ टीमें यहाँ पर तैनात रहती हैं। बेस कैंप में परमानेंट 12 महीने एसडीआरएफ की टीम तैनात रहती है। इसके अलावा क्योंकि ये केदारधाम में थाना भी है तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रहती है। सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा उस तरह की दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि ग्लेशियर, एवलांच और लैंडस्लाइड, ये तमाम दिक्कतें पड़ती हैं। तो इसके तमाम जो एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें थी उनको भी तैनात किया गया था, और भी तस्वीरें मैं आपसे दिखाता रहूंगा। और जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि और जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की मद्देनजर अगर बात करूँ तो सिर्फ कृतिक दिक्कतें होती हैं, और उसके लिए एसडीआरएफ की तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लोग आ रहे हैं, अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसके लिए पैरामेडिक्स की टीमें हैं अस्पताल में, तमाम यहाँ डॉक्टर्स हैं। केदार धाम क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, जब नीचे से आप पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम अक्सर होती है, तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स की तमाम व्यवस्था है, तो किसी तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मौसम फिलहाल थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। सुबह जब हमने दिखाया था तो सुबह उस वक्त कोहरा था, अभी आपको अगर दिखाऊं तो आप देखिए मेरु सुमेरु पर्वत की जो पर्वत श्रृंखला है उन पर सफेद बर्फ आपको किस तरह से नजर आती है, ये अलग ही केदार धाम का श्रृंगार करती है। और ये दो पर्वत जो आपको पीछे दिखते हैं, ये मेरु और सुमेरु पर्वत हैं, जो ठीक केदार मंदिर के पीछे की ओर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर भी ठीक इसके पीछे की ओर है, और ये जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी यहाँ का नजारा बदलता जाएगा। सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे तो अच्छी खासी बरसात हो रही थी, लेकिन अब धूप है, यानी जो श्रद्धालु आए हैं वो दर्शन करने के बाद जब लौटेंगे तो उनको बारिश से दो चार नहीं पड़ेगा, और अब वो तमाम जो दर्शक हैं वो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो ये यहाँ पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, और हमारे तमाम दर्शकों को हम केदार धाम के विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में लोग चाहते हैं कि उनको शिवालयों के दर्शन हो, और उसमें भगवान केदार का ये धाम। ये तमाम कुछ लोग और हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? बॉम्बे से आए। बॉम्बे से आए, पहली बार आए हैं? इससे पहले भी पहली बार आए, और 24 जन है और सब थोड़े फैमिली है, और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के। कल हमारा हेलीकॉप्टर था, कोई कारण से कैंसिल हो गया तो हम चल के आए, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ का नजारा। काम तो नहीं लगी पैदल चल के, क्योंकि लंबा रास्ता है, बारिश भी रही होगी। 12 जन घोड़े पे आए और 12 जन चल के आए, और थकान लगी रास्ते में, ऐसा लगा कि यहाँ से घोड़ा कर ले, मगर भगवान की दुआ से, भगवान का आशीर्वाद से केदारनाथ ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया बारिश में भी, और चल के आगे हम 8 बजे यहाँ पे पहुंचे, और बहुत अच्छा हमको लग रहा महसूस दर्शन हुआ। आप कहाँ से आए सर? जी गोरखपुर से आए सर।
कैसा लगा केदारधाम? पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आते? पहले भी हम आ चुके हैं सर जी। तो मौसम भी खराब है, बारिश हो रही है, हालांकि आज तो धूप है। हाँ आज धूप हुई है, दो दिन से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, दो दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हम लोग पैदल आए हैं नीचे से और अभी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम आप कहाँ से आए भाई? सर गोरखपुर। सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे आप हमारे साथ। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों का तांता लग रहा है और हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद